लेकिन एक यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जीतन राम मांझी भी उसके हिस्सा है, क्योंकि आप उसी गठबंधन के हिस्सा है। कि अपने मंत्रियों और अपने विधायकों को मना करके कि देखिए हम तो अपने लोगों को मना कर रहे हैं, आप भी ना निकले, आज अपने अपने लोक क्षेत्र में मर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी देखिए ना खुद कर रहे हैं और ना किसी को करने देना चाहते हैं। जो तेजस्वी यादव जी में है वो अपने लोगों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देखना चाहते, और यही कारण है कि लगातार वो प्रयास में है कि हम उनके लिए कर सके, लेकिन सरकार के द्वारा हमें करने से रोका जा रहा है। कहाँ से लोग अपना गुजारा करेगा, और सरकार जो है ना किसी को भत्ता दे रही है, ना उनके खाने पीने का कोई अरेंजमेंट कर रही है। सामुदायिक, आपने किचन का हाल देखा है, कितने लोग जा रहे हैं वहाँ खाने के लिए, क्या वहाँ इंतजाम है? आप उनको बोलिए, आप अपने क्षेत्र में जाइए और जनता से मिलिए और देखिए उनकी जो दुख है और तकलीफ है उनको दूर कीजिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि नीतीश कुमार जी में इतनी हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो बिहार के मंत्री हैं वो क्षेत्र भ्रमण ना करें, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करें। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। इस तरह का एडवाइजरी जारी किया गया है सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कहना कुछ नहीं है, पहले भी इसके पहले भी जेडीयू के या बीजेपी के एक विधायक एक मंत्री वो आपको क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। कोविड की महामारी में उनके क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपनी जान के लिए, सिलेंडर्स के लिए, दवाइयों के लिए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेगा। और अब ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की, असल में ये एडवाइजरी आरजेडी को जवाब है, क्योंकि आरजेडी के विधायक और मंत्रियों ने और लोगों ने उनसे ई पास की रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें क्षेत्र में जाना है, हमें परमिशन दी जाए, ताकि किसी तरह से कल में हम पे आरोप ना लगाया जाए कि भाई लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है इसको लेकर के। उसी के जवाब में नीतीश कुमार ने इस तरह से ये एडवाइजरी जारी की है, ताकि अपने मंत्रियों और अपने विधायकों को मना करके कि देखिए हम तो अपने लोगों को मना कर रहे हैं, आप भी ना निकले, मतलब खुद भी नहीं करेंगे और आप दूसरों को भी नहीं करने देंगे। आज बिहार में जो अराजकता फैली हुई है, कोविड हॉस्पिटल्स में कोई सुविधा नहीं है, आज अपने अपने लोक क्षेत्र में मर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी देखिए ना खुद कर रहे हैं और ना किसी को करने देना चाहते हैं। बहुत दुखद है ये जो हमारे मुख्यमंत्री विहीन राज्य है। मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा बिहार राज्य आज मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। आज बिहार के लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी आज उनको बेसहारा छोड़ दिए हैं। सुशील कुमार मोदी कहते हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर कोविड सेंटर खोला, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको मदद करना है तो सरकार से जुड़कर मदद की, इस तरीके से आप अलग बंगले में कोविड सेंटर खोलते हैं, क्यों नहीं दूसरा जो उनका निजी घर है वहाँ पे बंगला थी कोविड केयर सेंटर है वो खोला जाता है, तो कहीं ना कहीं आरोप आप पे भी लगाया जा रहा है, और साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है तेजस्वी यादव गायब हैं। देखिए, ये क्रिटिसाइज़ करना बहुत ही आसान है, चूँकि सरकार विफलता की ओर है। पिछले आज ये कोरोना नहीं आया है, पिछले दो सालों से ये कोरोना है। सेकेंड वेव के लिए तो बार बार अलार्मिंग दी जा रही थी कि सेकेंड वेव जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, और पिछले ही साल से तेजस्वी यादव जी लगातार बोल रहे थे सरकार को कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, किट मंगवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए, लेकिन क्या है, सरकार चुप बैठी हुई थी। आज हालात ये हैं कि रेशियो छुपाया जा रहा है, डेथ रेशियो छुपाया जा रहा है, जिस तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स या जी तमाम कमियां हैं। आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, यही तो हम मांग कर रहे थे कि डॉक्टर्स दिया जाए। आप वैकेंसीज की बात जो हो रही थी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं इस सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश कुमार जी इस तरह, जबकि तेजस्वी यादव जी का बहुत ही सकारात्मक कदम था, जो उन्होंने सारी की सारी सुविधाएं वहां लैश करके सरकार को सिर्फ बोली मांगे थे, इजाज़त मांगी थी उन्होंने कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम वहां पे कोविड सेंटर का चलाने की इजाज़त चाहते हैं, लेकिन सरकार खुद भी नहीं करना चाहती, और जो सकारात्मक चीज़ें करना चाहते हैं उन पर सरकार रोकना चाहती है, क्योंकि उनके प्रश्न चिन्ह ना उन पर लगाए कि आप सत्ता में रह के वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो इंसान सत्ता से बाहर रह के कर पा रहा है। तो ये इच्छा शक्ति की बात है जो तेजस्वी यादव जी में है, वो अपने लोगों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देखना चाहते, और यही कारण है कि लगातार वो प्रयास में है कि हम उनके लिए कर सके, लेकिन सरकार के द्वारा हमें करने से रोका जा रहा है। सरकार चूंकि अपनी विफलता नहीं लोगों के सामने आने देना चाहती है। जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई, आप लोग इसे खुद पर क्यों ले रही हैं? वो तो मंत्रियों को लेके कहा गया है। ये एडवाइजरी कब जारी की गई? जब हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि हमें परमिशन दिया जाए, हमें लोगों के बीच में जाने का परमिशन दिया जाए, हमें हॉस्पिटल में भ्रमण करने का परमिशन दिया जाए, तब आप ये एडवाइजरी लेके आ रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि आप उसका जवाब दे रहे हैं कि देखिए आप हम सीधे सीधे आप हमने हमने हमें तो आपने जवाब नहीं दिया,
आपने ना मना किया लेकिन आपने ये एडवाइजरी जारी कर दी, उसका मतलब ही यही है कि हमारे जो परमिशन मांग रहे थे उसके जवाब में आपने ये एडवाइजरी जारी की है कि आप ना जा सके क्षेत्र में, हमें रोका जा रहा है, हमें जन सेवा से रोका जा रहा है, हमें लोगों के बीच में पहुंचने से रोका जा रहा है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी ने ये एडवाइजरी लाई है। महंगाई भी इन दिनों बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, चूँकि आप महिला हैं, रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन के दौरान? देखिए, बीइंग अ वुमेन मैं समझ सकती हूँ कि एक एक घर की औरतों को अभी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही होगी, चाहे आप महंगाई तो खैर पहले से चरम सीमा पे थी, ऊपर से ये लॉकडाउन, कितने लोगों की जो दो चार पैसे कमा पा रहे थे वो भी आज उनकी नौकरियां छूट गई, और ऐसे हालत में आप देखिए 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, आप खाने पीने की चीज़ों की भी बात देख लीजिए, सारे के सारे दाम जो है वो चरम सीमा पे है, कहाँ से लोग अपना गुजारा करेगा? और सरकार जो है ना किसी को भत्ता दे रही है, ना उनके खाने पीने का कोई अरेंजमेंट कर रही है, सरकार लोगों को अपनी नियति पे छोड़ दी है कि आप भाग्य भरोसे रहिए। सामुदायिक आपने किचन का हाल देखा है, कितने लोग जा रहे हैं वहाँ खाने के लिए, क्या वहाँ इंतजाम है, आप ही रिपोर्ट उसको मैंने देखा है कि आप लोग हर सामुदायिक भवन में जाकर दिखा रहे हैं कि वहाँ की स्थिति कितनी बदतर है। सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप चीज़ें नहीं देख सकते हैं साफ साफ, आप उतरिए। नीतीश कुमार जी से मैं कहती हूँ, अगर वाकई में आपके अंदर संवेदना है अपने राज्य के प्रति लोगों के लिए, तो आप उतरिए, आप अपने नेता मंत्री विधायकों को रोकिए मत, आप उनको भेजिए, आप उनको बोलिए, आप अपने क्षेत्र में जाइए और जनता से मिलिए और देखिए उनकी जो दुख है और तकलीफ है उनको दूर कीजिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि नीतीश कुमार जी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनता जो मर रही है सड़क पे, जो अपने क्षेत्र में उनकी औकात नहीं है जा करके अपने लोगों से वो नजर से नजर मिला सके, क्योंकि जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी, और यही डर है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी अपने मंत्री और विधायकों को भी क्षेत्र में जाने से रोक रहे हैं। जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि पीएम मोदी की जो फोटो है, जो कोविड का जो रिपोर्ट आता है उस पर नहीं होना चाहिए, क्या मानते हैं आप, नहीं होना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके इस बात से कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में अगर फोटो आ रही है तो डेथ सर्टिफिकेट में भी आना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अच्छा का श्रेय ले रहे हैं तो आपको उन मौतों का भी श्रेय लेना पड़ेगा जो आपके हॉस्पिटल के बद इंतजामी की वजह से लोग मारे गए हैं, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जीतन राम मांझी भी उसके हिस्सा है, क्योंकि आप उसी गठबंधन के हिस्सा है। अगर वाकई में आप लोगों के प्रति संवेदना रखते हैं और आप उनके इस तरीके के चरण से आपको लग रहा है कि गलत है, तो आपको गठबंधन का धर्म तोड़ करके लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल साबित करना चाहिए कि देखिए हम ना गलत करते हैं और ना ही गलत करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। तो इस पर जीतन राम मांझी को एक बार जरूर विचार करना चाहिए। प्रवक्ता सारिका पासवान, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बातचीत की, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।